मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में बुलडोजर से एक एटीएम मशीन चोरी करने की घटना सामने आई है। अभी तक आपने बुलडोजर से कार्रवाई होते हुए देखी होगी, बुलडोजर से अन्य कामों को होते हुए देखा होगा, मगर बुलडोजर से चोरी करते हुए नहीं देखा होगा। ये पूरा मामला महाराष्ट्र के सांगली के मिराज तालुका का है, जहाँ पहले एक चोर ने बुलडोजर चुराया और फिर उसी बुलडोजर से एक एटीएम मशीन की चोरी कर ली। इस एटीएम मशीन में करीब 27 लाख रुपए थे। बताया जा रहा है कि चोरी की घटना 22-23 अप्रैल की रात की है, लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया में अब काफ़ी वायरल हो रहा है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिराज ग्रामीण पुलिस ने बताया है कि एटीएम बुलडोजर से उखाड़ कर कुछ दूर पर लेकर गया चोर और इसे तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तोड़ नहीं पाया और एटीएम मशीन और बुलडोजर दोनों को वहीं पर छोड़कर चोर फरार हो गया। हालांकि तोड़फोड़ करने की वजह से करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और पुलिस ने इस पूरे मामले में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जो है चोर की तलाश में जुटी हुई है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।